रात प्रोटीन प्रोटीन। 2 साल हो गए रोटी खाए हुए, कभी रोटी भी खा लिया करो। तुम्हें क्या पता बॉडी मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा, जैसे हमारी तो बॉडी मेंटेन ही नहीं है। छोड़ो तुम। संजू, वो मैं काफी टाइम से तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ, कहो क्या कहना है। तुम्हें तो पता ही है, जब से पापा गए हैं माँ काफी अकेली पड़ गई हैं, और अकेले होने के कारण वो बहुत दुखी भी रहती हैं। वहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। मैं सोच रही थी अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं माँ को यहाँ ले आऊँ, वो हमारे साथ रह लेंगी। इसमें इजाज़त वाली क्या बात है, ये तुम्हारा ही घर है और तुम्हारी माँ मेरी माँ। वैसे भी मेरे काम पे जाने के बाद तुम घर पे अकेली रह जाती हो, वो आएंगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। तुम्हें जो रूम उनके लिए अच्छा लगे वो खाली कर लो। ठीक है, मैं उन्हें ले आऊंगी। मैं ले आऊंगी का क्या मतलब है, हम दोनों साथ चलेंगे। बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुझे संजू जैसा जीवन साथी मिला। हाँ माँ, वो तो है। बेटी मेरे पास कुछ पैसा कुछ गोल्ड रखा है, मैं सोच रही संजू को दे दूँ, उसका आगे काम बढ़ा लेगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। और एक बात मेरी ये समझ में आ रही है कि कहीं अगर औलाद हो जाए उनको दूँ तो मेरे को और अच्छा लगेगा। बेटा 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अब तक कोई औलाद नहीं हुई और कोई आस भी नहीं दिख रही मेरे को। माँ भगवान जब देगा तब देगा। बेटा कुछ डॉक्टर हकीम है, वो बच्चा होने की दवाई देते हैं, एक बार तू मेरे साथ जाके चल। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। बेटा उसका है, एक बार जाके देख लो, दवाई लग जाए वहाँ, भगवान सुन ले। ठीक है, चली जाऊंगी। मुझे कहीं नहीं जाना, चाहे बच्चा हो या ना हो, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा तुझे नहीं पता औलाद होना कितना जरूरी है। जिस औरत के बच्चा नहीं होता उसे दुनिया बांझ बोल बोल के अंदर से मार डालती। माँ अगर बच्चे नहीं हो रहे तो उसमें मेरी क्या गलती है। मैंने बोल दिया मुझे नहीं जाना कहीं भी, मतलब नहीं जाना। मीना ए। हाँ जी जी बोलो। कीर्तन कराऊंगी जी जी आज ही। ठीक से आ जाएंगे। ए संजू बहू ही ने भी कह दियो। ए कैसा लोग इसको बालक बिना हुए से बांध से तू बालका का कीर्तन करवाने लाग रही से। क्यों इसका डंगा डंगे रह बीच में। फिर ते जी टाल कर दे। हाँ और के ठीक से रहने दे। कैसा लोग इसको बालक बिना हुए से बांध से बांध से Oh,
कुछ नहीं। कोई बुरा सपना देखा? संजू कितनी बदनसीब हूं ना मैं, तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे पाई। तो मैंने तुम्हें कभी बच्चे के लिए बोला क्या? संजू उस बंजर जमीन की तरह हूं, जिसका होना या ना होना दोनों बराबर है। बच्चा नहीं रो रहा। अरे रो रहा है, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? जाओ देख के आओ। तुम बैठो, मैं देख के आ रहा हूँ, तुम बैठो। वो पड़ोसी का बच्चा रो रहा था, चुप हो गया। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है सब। पता नहीं लोग क्यों अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते। ठीक है प्रगति, ये कुछ पैसे हैं, इनको संभाल के रख देना। बच्चे किसके? मतलब हमारे बच्चे अभी खेलने गए हैं, आने दो इन्हें, समझाती हूँ। समझ नहीं आ रहा यार, आजकल प्रगति है ना कुछ अजीब ही हरकत कर रही है। तो बच्चों को खाना खिला रही हूँ, बच्चों के लिए कपड़े ले आना, जूते ले आना, पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार। भाई तू एक काम कर, उसको ना पागल खाने छोड़ा, वही तेरे लिए सही रहेगा। भाई दीपांशु सही कह रहा है, 24 घंटे तू उसके साथ रह नहीं सकता, और क्या पता खुद को कोई नुकसान पहुंचा लिया और तुझे कुछ कर दिया, फिर तू क्या करेगा? नहीं भाई, वो मेरी पत्नी है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई है, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं उसके साथ रहूँगा और उसका ख्याल रखूँगा, और कोई ना कोई तरीका होगा जिससे वो ठीक हो जाए। भाई चाहते तो हम भी कि भाभी जल्दी से ठीक हो जाए, जो तुझे ठीक लगे वो कर, बाकी हमारे कैंप पे भी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेते। टाइम अब तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ।
हो सकता ठीक है, लेकिन वहाँ वो बंदा ईमानदार तो है ना, कोई घोटाला तो नहीं करेगा। वो बंदा ईमानदार भी है और काम भी अच्छे से कर रहा है। तुम काम की टेंशन ना लो, अपना ध्यान रखो, अपनी फिक्र करो। अरे अपना ध्यान क्या रखूं, मुझे तो बच्चों की टेंशन हो जाती है। माँ हूँ ना, औलाद की फिक्र तो होगी और उनका फ्यूचर भी तो देखना है। अगर तुम ऐसे अभी से घर बैठ जाओगे तो आगे कैसे काम चलेगा? तुम टेंशन ना लो, मैं एक दो दिन में काम पे जाने लगूंगा। क्या बात है भाई, तूने मेरे को इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया और तू परेशान भी लग रहा है, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं यार, मैं एक लड़की से प्यार करता था और अब वो प्रेग्नेंट है। मैंने अबॉर्शन के लिए हर कहीं ट्राई कर लिया लेकिन सब मना कर रहे। तो भाई अबॉर्शन क्यों करा रहा है, बच्चे को होने देना यार। मैं क्या करूँगा बच्चे का? भाई तू एक काम कर, बच्चे को होने दे, वो बच्चा मुझे दे दिए, मैं पाल लूँगा उसे। चल ठीक है भाई, वैसे भी और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम माँ बनने वाली हो। तीसरा बच्चा? दो बच्चे पहले से ही हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। तीसरा बच्चा, इन दो ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, तीसरे को मैं कैसे संभालूंगी? अब तीन बच्चे बहुत हैं, उसके बाद मुझे बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है, अब तीन से ज्यादा नहीं करेंगे हम, ठीक है? हाँ तुल। संजू भाई, मेरी गर्लफ्रेंड का लड़का हुआ है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैंने अपने दोस्त को भेजा है, वो तेरे पास लेके आता ही होगा। ठीक है भाई, हाँ देखता हूँ कोई आया करता है। ठीक है, प्रगति उठो, कब तक बेहोश रहोगी? देखो मैं लड़का हुआ है। ये कब हुआ? दोपहर को 11 बजे। लगता है दर्द के कारण मैं बेहोश हो गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। हाँ ऐसा ही हुआ था, अब ऊपर वाले की कृपा से हमारे तीन बच्चे हो गए हैं। और यश और यामी कहाँ हैं? वो माजे के साथ बाहर घूमने गए हैं। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना इसका, ठीक है? क्या कर रही है? क्यों किया ये सब? वो बिलक बिलक के रात भर रोता रहा और मेरी छाती से एक बूंद भी दूध नहीं उतरा। लानत है ऐसी माँ। मोहताज है एक औरत की पहचान आज भी, पैदाइश से लेकर मौत तक सर पे बाप पति बेटे का साया होना चाहिए, वरना जानी जाएगी एक यतीम, नाजायज,
आवारा या बांझ, एक जिंदा लाश।